आज भारत के तकनीकी संस्थानों में शिक्षा का स्तर बहुत बदल गया है। पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार ने प्राइवेटाइजेशन के नाम पर इतनी अधिक सीटें खोल दी हैं कि उसका दुष्प्रभाव हमारे देश पर, समाज पर अब पड़ना शुरू हो गया है। आइए ज़रा कुछ आंकड़ों की मदद से इसको जानने का प्रयास करें। आज की तारीख में भारत में इंजीनियरिंग की सीटें 14,85,894 हैं, जिसमें से मात्र 42,000 ही हमारी सरकारी सीटें हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारी सीट सरकारी सीटें कितनी कम हैं। अब इसको एक स्टेट के उदाहरण से, महाराष्ट्र प्रांत के उदाहरण से समझते हैं कि 1978 के आसपास वहाँ पर प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू हुआ, तो महाराष्ट्र स्टेट में उस समय 1978 में 16 संस्थान थी और 2642 उसमें सीटें उपलब्ध थीं। 2012 में बढ़ते बढ़ते 364 तकनीकी संस्थान खुल गए और उसमें 1,48,084 सीटें छोड़ दी गईं। यहीं पर दूसरा दुर्भाग्यपूर्ण आंकड़ा है कि 2012 में ही 44,414 सीटें अभी खाली थीं। आप कल्पना करें, किसी प्रदेश के लिए तकनीकी संस्थान के अंदर सीटें तो हैं 1,48,000 और उसका लगभग एक तिहाई सीटें अभी खाली हैं। लेकिन स्थिति यहीं पर समाप्त नहीं होती। दूसरी बात बहुत बड़ी जो बीच में आ गई है कि 1978 तक हमारे पास जो व्यक्ति इंजीनियरिंग करने आता था, जो बच्चा पढ़ने के लिए आता था, उसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में 60% अंक लाने अनिवार्य होते थे। अब सीटें इतनी अधिक होती गईं, सरकार पर दबाव पड़ता गया, क्योंकि ये सीटें खोलने वाले ज़्यादातर उद्योगपति थे। सरकार पर उनका दबाव पड़ा और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, वो कम होती गई। 2013 तक आते आते इस समय 45% बच्चे के अंक होने ज़रूरी हैं, जिसमें से यहाँ तक हो चुका है कि रसायन शास्त्र को छोड़कर बच्चा कोई और कोर्स भी ले ले तो भी उसको इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाता है। लेकिन इतने के बाद भी हमारे पास लगभग एक तिहाई सीटें अभी खाली हैं। इस बात को जरा हम पूरे देश के आंकड़े पर एक और नज़र डालते हैं। पूरे देश में इस समय 14,85,894 सीटें हैं, जबकि 2012 के आंकड़ों के मुताबिक लगभग 2,82,320 सीटें अभी खाली थी। इसका मतलब अभी भी 20% सीटें पूरे देश में तकनीकी संस्थानों में खाली हैं। धीरे धीरे बच्चों का रुझान इंजीनियरिंग से हटता है। यहीं पर दूसरे तरीके पर जो AICTE के डायरेक्टर हैं या जो वैज्ञानिक हैं या जो उद्योगों के लोग हैं, उन सबका ये मानना है कि हमको प्रतिवर्ष मात्र 30,000 इंजीनियर्स की आवश्यकता है, यदि हम 10% GDP ग्रोथ निकालते हैं तब भी। अब तो हमारा GDP ग्रोथ का आंकड़ा 5-6-7 पर अटक जाता है। तो जहाँ पर हमें मात्र 30,000 व्यक्ति चाहिए, इंजीनियर चाहिए, वहाँ पर हम 14 लाख इंजीनियर को पैदा करेंगे तो हमारे स्थिति क्या होने वाली है, यहाँ पर इंजीनियरिंग की बाढ़ आ जाएगी। ये जिस समय इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे तब नहीं सोचा गया, परंतु आज इसकी स्थिति आ गई। दूसरा कारण यह, धीरे धीरे शिक्षा का स्तर इतना गिरता चला गया, क्योंकि जब सरकार ने बोर्ड हटा के बाकी कार्य शुरू किए, उस समय अगर आप ध्यान दें तो शिक्षा का जो अभी रिपोर्ट पीछे आई है उसमें यह है कि 5वीं क्लास का बच्चा 2 अंकों का टेक्स्ट नहीं पढ़ सकता दूसरी क्लास का, और वो 40% 2010 में थे और 2012 में बढ़ के 53.2% हो गए। 2 अंकों की संख्या को घटा नहीं सकते ऐसे बच्चे अभी 5वीं क्लास में पढ़ने वाले 46% हैं। जितने बच्चे हमारे पास एनरोल होते हैं पूरे भारत में, उसमें से कुल 10% बच्चे हमारे पास ग्रेजुएशन लेवल पे आते हैं, स्नातक स्तर पर। 20% 12वीं तक पहुंच पाते हैं। 8वीं तक आते आते 70% बच्चे स्कूल जाना छोड़ देते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि कक्षा 8 तक बहुत सी जगहों पर, बहुत से प्रांतों में फेल न करने की परंपरा है, अर्थात बच्चा जैसा भी होगा उसको अगली कक्षा में डाल दिया जाएगा। तो पहले इम्तिहान से पहले 70% बच्चे तो पहले ही हट जाते हैं। ये हमारी शिक्षा का स्तर होता गया। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि लगभग 70,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च करती है,
अभिभावक 2 लाख करोड़ खर्च करते हैं, और इसके बाद अभी जो प्राइवेट कोचिंग की संस्थाएं शुरू हो गई हैं लगभग 1,20,000 करोड़ अभी यहाँ पर खर्चा होता है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए लगभग 4 लाख करोड़ रुपया इस समय भारत में अभिभावक और सरकार मिलकर बच्चों को पढ़ाने पर लग रही है, लेकिन जो नतीजा आ रहा है वो चौंका देने वाला है कि 70% बच्चे 8वीं कक्षा तक ही पहुंच पाते हैं और मात्र 10% बच्चे स्नातक स्तर पर पहुंच पाते हैं। ये स्नातक स्तर पर पहुंचने वाले वो बच्चे हैं जिनके माँ बाप अभिभावक इस उम्मीद में कि बच्चा पढ़ जाएगा, बच्चे की ग्रेजुएशन मिल जाएगी, बच्चा आगे बढ़ जाएगा, उसके लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। बच्चे को जीवन भर कहते हैं आप पढ़ते रहो, जीवन में कुछ करना है आपको, आगे बढ़ो। परंतु जब दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि इतने के बावजूद बच्चा जब शिक्षण संस्थान में जाता है तो उसके पास पढ़ने के बाद रोजगार नहीं है, काम नहीं है, तो बच्चे के पास एक ही रास्ता बचता है, वो इस इलाके को छोड़ देना चाहता है। तो यही हमारे यहाँ अगली स्थिति आ रही ब्रेन ड्रेन। अबंडेंस हमारे पास इंजीनियरिंग कॉलेज की होगी, आपको बताया कि 14.5-15 लाख सीटों में जब इतने के लिए काम नहीं है तो बच्चा क्या करेगा। अब अगर पुराने आंकड़ों को देखें जिसको हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं, 34% विद्यार्थी, 25,000 जब सीटें थी 1980 के आसपास, चले जाते थे यहाँ से और लगभग 18,000 देश में रह जाते थे। और अब हमारे पास 14-15 लाख बच्चों के अंदर से भी 50,000 बच्चे चले जाते हैं। बहुत से बच्चों की बाहर पढ़ाई के लिए आगे जाने के लिए अभिभावक लगभग आंकड़ों के अनुसार 6,000 करोड़ रुपया खर्चा करते हैं। अब इतने इंजीनियर पैदा कर दिए, 45% पर आपने उनको ले लिया, लेकिन जो दुर्भाग्यपूर्ण समाचार है इंडिया टुडे में जो छपा है कि 55,000 बच्चों का इंटरव्यू लिया गया जिसमें से आईटी इंडस्ट्री में मात्र 17% बच्चे फिट पाए गए। अर्थात जितने बच्चे पास होकर निकले उनमें से 1/5 को भी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, 80% तो बिना पढ़े बाहर आ गए। अब हम इसका अंदाज़ा लगाएं कितनी दोहरी मार पड़ गई अभिभावकों को। बच्चा मेहनत से पढ़कर बाहर निकलता है, पहली बात तो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की फीसें 4 गुना बढ़ गई, सरकारी सीटों के ऊपर भी सरकार ने फीसें इतनी बढ़ा दी कि आज आम भारतीय बच्चा जिसके अभिभावकों के पास धन न हो वो इंजीनियरिंग का सपना नहीं देखता। भारत की सबसे बड़े शिक्षण संस्थान IIT है जिसकी आज फीस 80,000 रुपये कर दी गई है। आप कल्पना करें 80,000 रुपये एक सेमेस्टर की फीस, माने 1,60,000 रुपये एक साल की फीस, और 4 साल में बच्चा 4.5 लाख रुपया तो अभी सरकारी इंस्टीट्यूशन की फीस है। क्या कोई अभिभावक, हम ये माने कि पूरे भारत की स्थिति ऐसी है कि कोई अभिभावक अपने एक बच्चे के लिए 6.5 लाख रुपये देगा, दूसरे बच्चे के लिए 6.5 लाख रुपये इंजीनियरिंग के लिए देगा, 14-15 लाख रुपए 2 बच्चों के लिए खर्च करने की स्थिति आज कितने भारतीयों में है। पहले कम से कम सरकारी कॉलेजेस की फीस इतनी कम होती थी, बच्चा पढ़ लेता था। अब सरकार की जो स्थिति है प्राइवेटाइजेशन करके अपने आप में सरकार, क्योंकि इस स्थिति में सरकार के पास धन नहीं है, उसने सारा काम प्राइवेट उद्योगपतियों को दे दिया है, और उद्योगपतियों का काम भी क्या है, उन्होंने धन कमाना है, उनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार की जब स्थितियाँ चलेंगी तो क्या भारत में कुछ आगे हो पाएगा, ये बहुत बड़ा विषय है, हमें इस पर सोचना है। भारत को आज जागृत होना पड़ेगा, इसके लिए कुछ ना कुछ करना हमें आगे बढ़कर हमें ही करना पड़ेगा।